हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज़। यूजुअली अगर आप हमारा पूरा चैनल चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको ब्रेकफास्ट के मिलेंगे और लंच के मिलेंगे, लेकिन डिनर के हम लोगों ने बहुत ही कम वीडियोस बनाए हुए हैं। आज की जो जगह है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि खुलती ही 7:30 बजे के बाद है। जो इवनिंग में लोग निकलते हैं या ऑफिस से आप लौट रहे हैं, या तो अगर आपको लेट नाइट कुछ खाना है क्योंकि देर तक खुली भी रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी है और थोड़ी सी यूनिक भी है। तो क्या है उधर, क्या मिलता है, वो चल के जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाइए। चलिए अब हम लेट नहीं करते हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं कुंदन अली गेट पर, जहाँ बिरयानी जोन है उसके जस्ट सामने एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मटन कार। ये उड़ीसा स्टाइल चिकन और मटन बनाते हैं। रोज शाम को, जैसे आपको मैंने बताया था, 7 बजे खुल जाते हैं और रात के 12 बजे तक लिखा हुआ है, लेकिन वही है कि जब तक स्टॉक अवेलेबल है तब तक आपको खाना मिलेगा, जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। तो एक बार ज़रा चेक करके ज़रूर आइएगा। अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, एकदम बारिश वाला, तो उसके लिए तो जगह परफेक्ट है। अभी बारिश हो नहीं रही है लेकिन बारिश हो चुकी है, तो मौसम में जो है ठंडक है। और ये बिल्कुल मिनिमलिस्टिक जिनका ये सेटअप है यहाँ पर बैठने का। और भी अच्छी बात क्या है कि इनका जो मेन्यू है वो भी बहुत सिंपल है। तो आपको मिल जाएगी मटन राइस मिनी मील, मटन राइस रेगुलर मील, जिसमें डिफरेंस बस इतना है कि इसमें रेगुलर मील में एक पीस ज़्यादा आएगा आपको मटन का, और फिर चिकन मील विथ राइस। अगर आपको सिर्फ करी लेना हो तो करी ले सकते हैं, और रोटी मिनरल वाटर, दैट्स इट। सर ये मूढ़ी क्या है? मूढ़ी पफ राइस है। सर आप स्विगी जोमेटो दोनों में है क्या? आपका सेम नाम थे ना, मटन कार? द मटन कार। मटन कार नाम क्यों रखा आपने? पहले हम कार में सर्व करते थे। तो कह रहे मटन कार नाम इसलिए है क्योंकि लोग कार में ही सर्व कर दिए होते थे। अगर आप लोग दिल्ली साइड का भी रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में कह रहे हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जो रात में नॉनवेज वाली स्पेशली जगह होती है और उधर किसी फैमिली वालों को जाना होता है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि लोग कार में जाते हैं और जो खाना है वो आपकी कार में ही सर्व हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि खाना ऐसी जगह वहाँ पे अच्छा मिलता है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन खाना तो है ही। तो दिस इज़ अ गुड यू नो मिडिल ग्राउंड कि आप अपनी कार लेके चले जाइए और वो कार का खाना ले आएंगे। तो मैंने एक मिनी मील ले लिया क्योंकि मेरे लिए 3 पीस बहुत है। और अगर आप लोगों को यहाँ खाना खाना हो तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि बहुत रात तक मत वेट करिए। ज़्यादातर इन लोगों ने अपना टाइम 12 o'clock लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था 10:30 बजे, तब तक खाना ख़त्म हो गया था। तो ऐसी यहाँ की फॉलोइंग है इस जगह की, ऐसी अभी काफ़ी ट्रेंड हो रही है ये जगह, और सब होनी भी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। जो खाना है वो दिखने में तो एकदम घर जैसा लग रहा है और प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा मटन काफ़ी महंगा आता है आजकल, और 280 रुपीज़ में ये जो मील है, अच्छा खासा कटोरा भर के मटन की ग्रेवी है, थोड़ा सा आलू का ये चोखा है, मिर्ची नींबू अनियन है और राइस है, और राइस की क्वांटिटी भी काफ़ी है। आज रोटी ख़त्म हो गई, नहीं तो मैंने सोचा था रोटी भी लूँगा। तो रोटी अगर आप 10 रुपये दे के एक्स्ट्रा रोटी ले सकते हैं, पर रोटी का 10 रुपये है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। बट खाने का पता चलेगा कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, फिर प्राइस कैसा भी हो। सो हेवनली, मैं आपको बता नहीं सकता, और हेवनली एक वर्ड ऐसा है जो मैं लाइटली यूज़ नहीं करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टिंग टेस्टी बनी हुई है डिश। जो मटन है वो एकदम सही पका हुआ है, हड्डी छोड़ रहा है, इतना अच्छा पका हुआ है, लेकिन जो ग्रेवी है वो जादू है। ग्रेवी में आपको खाते समय बिल्कुल भी जो तीखापन है वो फेस नहीं हो रहा है, लेकिन फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर हल्का सा एक मसाला और एक हल्का सा तीखापन जब आप पूरा बाइट ख़त्म कर देते हो तो आपको अपने थ्रोट में महसूस होता है। दिस इज़ अ परफेक्ट मील फॉर अ विंटर इवनिंग। आज भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश हुई थी, तो एकदम बढ़िया आइडियल सिनेरियो बन गया था मेरे लिए कि यहाँ मैं आऊँ खाना खाऊँ। ये ज़्यादा प्लान नहीं था, बस कैमरा उठा के आ गया आज खाना खाने के लिए यहाँ पे, एंड आई थिंक इट वॉज़ अ ग्रेट डिसीजन। अब आइए थोड़ा आलू के साथ ट्राई करके देखते हैं। जो आलू का चोखा है ना वो बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक बनाया हुआ है,
उसमें सिर्फ हल्दी है, नमक है, प्याज है, कच्ची प्याज और कच्ची मिर्ची है, दैट्स इट। लेकिन ये बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस ग्रेवी को, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेवी में गरम मसालों का अच्छा स्वाद आ रहा है। मुझे लगता है खुशबू वाले मसाले भी काफ़ी इस्तेमाल करे गए हैं, तेज़ वाले मसाले भी, जैसे काली मिर्च का भी अच्छा स्वाद आ रहा है, लेकिन खुशबू आपको इलायची की और दालचीनी की भी बहुत अच्छी आ रही है, उनका फ्लेवर्स भी आ रहा है। ग्रेवी और राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में आपको उसको मेलो डाउन करने के लिए ना ये आलू बड़ा काम आ रहा है, और ये अकेला आलू नहीं है इस मील में, जो मटन करी है उसमें भी एक बड़ा आलू हमको मिला हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है तो उड़ीसा और बंगाल साइड मटन और चिकन में आलू होना बहुत आम बात है। और अगर आप इससे थोड़ा सा ग्रोस आउट कर रहे हैं कि अरे यार मटन नॉनवेज में कौन आलू खाता है, तो लेट मी टेल यू दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, क्योंकि जो आलू है वो नॉनवेज के सारे जो जूसेस हैं, जो सारा फैट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और सही मायने में इस पूरी मील में सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ अभी वो आलू ही है, जो राइस के साथ गजब लग रहा है। मैंने बहुत मटन खाए हैं, उड़िया स्टाइल जो मटन करी है दैट इज़ द बेस्ट। मैंने लाल मांस खाया है, कोशा मांसो खाया है, कश्मीरी रोगन जोश खाया है, बट जो सबसे डिलिशियस येट सिंपल इज़ द उड़िया स्टाइल मटन। ये नहीं कहूँगा तो दूसरे अच्छे नहीं है, लेकिन ये ऐसा है ना आप किसी भी दिन खा सकते हो। इफ़ यू फीलिंग लो यू कैन हैव सेलिब्रेटरी टाइम देन ऑल्सो यू कैन हैव दिस। लेकिन सबसे अच्छा समय हो तब होगा या तो ठंडी हो या बरसात हो, बस संडे को अपने घर वालों को लेके आप इसको लेके यहाँ तो यहाँ आइए और खाइए, या यहाँ से पार्सल करा दीजिए। मिस करने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लेस बहुत सारे ना मेरे चेकबॉक्स को टिक करती है, मेरे को वो जगह बहुत पसंद आती है जो लोग अपना बिल्कुल सिंपल मेन्यू रखते हैं कि एक या दो आइटम बनाएंगे लेकिन ज़बरदस्त बनाएंगे। ये उस इसीलिए इन लोगों ने अपना काम भी 4 या 5 घंटे का ही रखा हुआ है। अगर आप लोगों को कभी पता करना हो कि भाई यहाँ खाना बचा है या नहीं बचा है, तो इनके आप इंस्टाग्राम पेज पे इनको मैसेज कर सकते हो कि भाई हम लोग आना चाहते हैं, खाना बचा है कि नहीं, खासकर अगर आप 9:30-10 बजे के बाद आ रहे हो, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये एकदम हिडन जैम है, हिडन जैम तो नहीं कहूँगा क्योंकि सबके सामने ही है एकदम, लेकिन बहुत लोगों को सच में इसके बारे में नहीं पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन आने वाली जगह ज़रूर है। ये हाईली रिकमेंडेड, मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद आया। मैं इनके पास पहले भी आ चुका हूँ, दिस इज़ मेयर सेकेंड अटैम्प्ट, जब लास्ट टाइम आया था तो खाना ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस बार लकीली मुझे मिल गया और इस बार मैं कॉल करके आया था। लेकिन अगर आप लोग भी आना चाहो तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर मटन कार कुंदन अली गेट पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।